नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड यू चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान आइसक्रीम का सेवन। गर्भावस्था के दौरान आइसक्रीम खाना आपके लिए सुरक्षित है या नहीं है, और इससे गर्भ में बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ये बच्चे के लिए सुरक्षित है या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कहीं पे भी स्किप ना करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी में आइसक्रीम खाना सेफ है, यदि आप कुछ बातों का ख्याल रखते हैं। दोस्तों आइसक्रीम खाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक होता है कि जो आप आइसक्रीम खाने वाली हैं वो बैक्टीरिया से दूषित तो नहीं है। आइसक्रीम दोस्तों दूध से बनती है, दूध और क्रीम से बनती है, और ये वो चीज है जिसमें बैक्टीरिया का संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ही आसानी से इसमें बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है यदि इनको एक खास टेम्परेचर पे ना रखा गया या एक ऐसे स्थान पे ना रखा गया जहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान रखा गया हो। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो आइसक्रीम आप खाने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइसक्रीम में दूध होता है, क्रीम होता है, तो दोस्तों आइसक्रीम एक बहुत ही अच्छा स्रोत है कैल्शियम और प्रोटीन का। कैल्शियम बहुत जरूरी है गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए, उसकी हड्डियों का विकास सही से हो, उसके दांतों का विकास सही से हो, इसके लिए कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर में अच्छी होना बहुत आवश्यक है। और जो दूसरा पोषक तत्व आइसक्रीम में पाया जाता है वो है प्रोटीन। दूध में प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है, तो दोस्तों आइसक्रीम खाने से आपके शरीर को काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है जो कि आपके शिशु की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। कभी कभार जब गर्भ में बच्चे का विकास कम रह जाता है किसी भी कारण से, तो डॉक्टर भी प्रोटीन के सप्लीमेंट्स के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। उन्हें गर्भवती महिला को प्रोटीन खाने के लिए बोलते हैं कि आप अधिक से अधिक प्रोटीन का सेवन करें। दोस्तों आइसक्रीम में काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम है जो कि बच्चे के लिए और उसके विकास के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। तो दोस्तों ये तो थी फायदे वाली बात, अब हम जान लेते हैं कुछ नुकसान वाली बात आइसक्रीम खाने के बारे में। आइसक्रीम में काफी अच्छी मात्रा में शुगर का कंटेंट होता है, तो जो महिलाएं डायबिटीज या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज से ग्रसित है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अत्यधिक आइसक्रीम का सेवन ना करें। ऐसे करने से उनकी जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और शुगर से आपके वजन में भी वृद्धि हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा ना बढ़े, जो कि बढ़ना भी नहीं चाहिए वरना आपको डिलीवरी के समय बहुत ही ज्यादा समस्या आने वाली है, तो आप आइसक्रीम का सेवन करें लेकिन कम करें। आइसक्रीम में लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ये लिस्टेरिया बैक्टीरिया आइसक्रीम के अंदर कहां से आते हैं दोस्तों? जिस डब्बे में आइसक्रीम और उससे संबंधित प्रोडक्ट रखे जाते हैं, जैसे कि दूध हो गया, आइसक्रीम हो गया, जब भी हम दुकान से आइसक्रीम खरीदते हैं तो वो एक प्रकार के फ्रीजर में रखे जाते हैं, और आप देखेंगे नॉर्मली उसमें अन्य तरह के भी डेयरी प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया पनीर, दूध, आइसक्रीम। तो दोस्तों ऐसे बॉक्सेस की नॉर्मली सफाई का जो अंतराल है छोटी मोटी दुकानों में बहुत लंबा रहता है, कभी कभी एक महीने में, दो महीने में साफ करते हैं, तो उनके अंदर लिस्टेरिया का संक्रमण बहुत ज्यादा रहता है और उस डब्बे से फिर आइसक्रीम के अंदर वो संक्रमण आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसी दुकान का चुनाव करना है आइसक्रीम लेने के लिए जो कि साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। अगर आप आइसक्रीम ले रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरीके से सील्ड पैक हो और अच्छे ब्रांड की हो, क्योंकि अगर अच्छे ब्रांड की होगी तो वो हर चीज का ख्याल रखेंगे दोस्तों। क्योंकि अगर लिस्टेरिया से इन्फेक्टेड आइसक्रीम का सेवन आप करते हैं तो आपके अंदर भी इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, आपके गर्भ के ऊपर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है, इससे आपकी एमनियोटिक फ्लूइड में भी वो इन्फेक्शन जा सकता है जिससे कि सीधा बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंचने का डर बना रहता है। दोस्तों इस प्रकार के इन्फेक्शन से आपको काफी समस्याएं आ सकती हैं, काफी जटिलताएं आ सकती हैं, मिसकैरेज आपका हो सकता है, आपको समय से पहले आपका बेबी जन्म ले सकता है, या बच्चे को कोई सांस से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको आइसक्रीम खाने से पहले कि जो भी आप आइसक्रीम खा रहे हैं वो एक अच्छे ब्रांड की हो, वो एक अच्छे स्थान पर रखी गई हो। अगर आप ये इंश्योर कर लेते हैं तो आप उस जगह से आइसक्रीम ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप खुली हुई आइसक्रीम का सेवन ना करें। खुली हुई आइसक्रीम से मेरा मतलब है एक बड़े पैक वाली आइसक्रीम जिसको दुकानों में स्कूप के माध्यम से सर्व किया जाता है, वो स्कूप के माध्यम से कोन में दे सकते हैं या किसी बोल में दे सकते हैं। तो ऐसी आइसक्रीम से आप गर्भावस्था के दौरान बचें क्योंकि वो खुली हुई आइसक्रीम होती है और उसमें संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यदि आपको आइसक्रीम खानी है तो आप कोई पैक ले सकते हैं जो कि अच्छी तरीके से सील्ड पैक हो जिसके अंदर संक्रमण के चांसेस कम हो। दोस्तों अगर डिलीवरी का समय आपका समीप आ रहा है, पास आ रहा है, तो आपको खास ख्याल रखना है कि आपको कोई भी कोल्ड कफ जैसी समस्याएं ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आइसक्रीम ठंडी होती है। तो दोस्तों आइसक्रीम खाने से हमें कोल्ड और कफ की शिकायत हो सकती है और इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोल्ड और कफ की शिकायत आपको रहती है डिलीवरी के वक्त तो आपको डिलीवरी देने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों डिलीवरी के समय आपको खांसी जुकाम जैसी समस्या ना रहे इसके लिए आपको आइसक्रीम का सेवन अंतिम महीनों में बंद कर देना है। तो दोस्तों ये सब बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है आइसक्रीम खरीदने से पहले, आइसक्रीम खाने से पहले, कब आपको आइसक्रीम खानी है, कब आपको आइसक्रीम नहीं खानी है। साफ सुथरी जगह में रखी हुई आइसक्रीम ही आपको खरीदनी है, अच्छे ब्रांड
की आपको आइसक्रीम खरीदनी है, ज्यादा मात्रा में आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, और दोस्तों आपको डिलीवरी का समय जब नजदीक आ जाए तभी भी आपको आइसक्रीम खाना छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों बस इन सब बातों का ख्याल रखिए, गर्भावस्था के दौरान खाइए पिए मस्त रहिए, कुछ भी खाइए लिमिट में खाइए दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान आपको अपने खान पान पे बहुत ही विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों इस तरीके की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइफ एंड यू सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखे हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का संदेश मिल सके, जब भी मैं पब्लिश करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचे। उसके लिए आपको घंटी के आइकन को भी दबाना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें या उन सभी लोगों को जिनको इस तरीके की जानकारी की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक बटन जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। मिलते हैं इसी तरीके की प्रेगनेंसी से संबंधित अन्य वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।